यू। 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, हम लोग को गर्व फील होता है कि हम लोग इंडियन हैं। आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं ये जानना चाहूंगा। बचपन में जब गणतंत्र दिन होता था तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में जाते थे हम, फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे, हमें बिस्किट्स दिए जाते थे, तो वो कुछ मज़ा और ही होता था। अब मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, तो वो जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ अलग तरीके से मैं ड्रेसअप कराती हूँ। जैसे कि मैंने एक स्कार्फ लिया है, इट्स अ लॉन्ग लाइक अ स्कार्फ काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो मैं फ्लैग कलर्स में है उसमें उसके गले में डालती हूँ। ही वेज अ वाइट सलवार कमीज़ और नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, कुर्ता, सॉरी नॉट सलवार, कुर्ता पजामा एंड विद द फ्लैग कलर्ड दिस थिंग, और समटाइम्स वी ड्रॉ टैटू ऑन हिज फेस विच इज़ फ्लैग इन फ्लैग कलर्स। तो एंड देन ही गोज़ टू हिज स्कूल और हम उसके बारे में डिस्कस करते कि उसने कैसे सेलिब्रेट किया। स्कूल के दिन आप कितना मिस करती हैं, आप कितना पार्टिसिपेट करती थी इस दिन? फुल 100% मेरा पार्टिसिपेशन रहता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वहाँ पे बातें होती थी कि व्हाट इज़ इट बीइंग एन इंडियन, एक पेट्रियट, यानी क्या, क्यों हमें हमारे देश की तरफ जो भी फीलिंग्स है, प्यार है या ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स मदर अर्थ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताई जाती थी, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्या कुछ स्कूल के दिनों में करती थी इस दिन? जैसे मैंने कहा कि फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे, द यूनिफॉर्म यूज़ टू बी क्रिस्पली आयर्न एंड देन वी यूज़ टू गो डू द फ्लैग हॉइस्टिंग। फिर घर आके, स्कूल तो नहीं होता था, स्कूल तो वॉज इन द मॉर्निंग फॉर 2 घंटे के लिए, फिर बच्चों के साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे हम सब बच्चे मिलके भी, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे फ्लैग हॉइस्टिंग करते थे। इस बार आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं रिपब्लिक डे? इस टाइम मैं आई एम मोस्टली गोना बी वर्किंग, मैं शूट करने वाली हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे के साथ मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी गणतंत्र दिन, तो ये जो फ्लैग मैंने लाया है उसके लिए भी एक लाया है, तो होल डे वी एम गोना बी वेयरिंग दिस। मैं इस टाइम उसको इस चीज़ के बारे में सिखाने वाली हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ब्रॉट इट इन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं उसको बताने वाली हूँ। एक होता है हीरो और एक होता है रियल हीरो। आप किसको देश में रियल हीरो मानते हैं? दोनों की अपनी अपनी जगह है, यू कैन नॉट टेक अवे वन फ्रॉम द अदर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन फ्रॉम द अदर। रियल हीरोज़ आर दोज हीरोज़ ऑब्वियसली जो वी डोंट सी देम ऑन रील लाइफ और इन अ थिएटर और ऑन टीवी स्क्रीन, दोज आर द हीरोज़ हु आर एक्चुअली आउट देयर ऑन द ग्राउंड डूइंग द वर्क एंड हेल्पिंग सेविंग अदर ह्यूमन बींग्स और अदर बींग्स सो टू से। एंड द स्क्रीन हीरोज़ आर द हीरोज़ हु सेंड अ मैसेज, मोस्ट ऑफ देम डू ऑफ कोर्स, दे सेंड अ सोशल मैसेज और दे एंटरटेन अस, विच ऑल्सो मीन्स दैट दे रिलीव अस फ्रॉम द स्ट्रेस दैट वी आर फीलिंग फ्रॉम डे टू डे लिविंग। जैसे पीएम जाते हैं और कई सारे सेलिब्रिटी भी जाते हैं फौजियों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे अलग ही माहौल होता है जी और एक अलग सी मतलब पॉजिटिविटी फील होती है। सो आप कहीं कभी जाना चाहेंगे ऐसा कुछ प्लान? डेफिनेटली जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं हाल ही में पिछले साल जो बॉर्डर है वहाँ पे मैं गई थी फिरोजपुर में, तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इतना इतना नज़दीक से देखने मिला, तो दैट वाज एंड आई सॉ द एक्सचेंज और तब बहुत अच्छा लगा, रियली फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन ओवर देयर। आपके हिसाब से कंट्री में क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए? ओके बहुत सारे चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। एक तो मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की, टुडे इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, हम अवेयर नहीं हैं, गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन फॉर इट इन द बजट दैट्स अपकमिंग, क्योंकि व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ के लॉट ऑफ फिजिकल इलनेसेस आर रिलेटेड टू मेंटल इलनेसेस। व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट इज़ अल्टीमेटली इफ़ यू सी जो हमारी इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है, वी लूज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ बिकॉज ऑफ पीपल नॉट बीइंग मेंटली वेल, तो ये जो चीज़ है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई वेरी फेवरेट टॉपिक के जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। ऑफकोर्स अदर इशूज़ लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, अब्यूज़ टूवर्ड्स चिल्ड्रन एंड वेमेन, एनवायरमेंट चेंजेस दो दैट आर हैपनिंग लाइक नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऑल दीज चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में सबसे ज्यादा आपको क्या कुछ पसंद आता है, क्या
देर आर मेनी थिंग्स विच आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. वन इज ऑफ कोर्स द ब्रेन. आई मीन वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. वी हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस. अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है. बट हैविंग सेड दैट आई एम प्राउड दैट वी हैव. नो एक्चुअली कैन यू जस्ट डिलीट दैट एंड आई रिफ्रेज इट. हाँ ये करो. ठीक है ओके. सो हाँ द थिंग विच आई एम द थिंग्स दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन इज ऑफ कोर्स योगा. वी हैव गिवन दिस गिफ्ट टू द वर्ल्ड. एंड वॉट वी डोंट गिव इम्पॉर्टेंस टू और वी डोंट रियलाइज इज योगा इज नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज. इट ट्रूली इज अ वे ऑफ लिविंग. इट टीचेज यू टू अलाइन योर माइंड बॉडी एंड सोल एंड लिव लाइफ द वे इट इज मेंट टू लिव. बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स आयुर्वेदा इज अ वन वेरी वेरी बिग गिफ्ट दैट वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड. बिकॉज प्लांट बेस्ड मेडिसिन और मेडिसिन विच कम फ्रॉम नेचर आर एक्सट्रीमली गुड फॉर अस. फॉर प्रिवेंटिव measure Ayurveda is beautiful. So allopathy, yes, it has its place. For example, if you have a fracture or whatever, then you have to go to an allopathic doctor. Having said that, coming back to Ayurveda, which is a gift that we have given to the world. So these two things are definitely something that I'm extremely proud of. देशभक्ति के सॉन्ग्स या फिर मूवीज कितना पसंद करते हैं आप देखना? मज़ा तो आता है ऑफ कोर्स. जैसे चक दे है, ऑल दीज काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच यू नो यू फील वेरी प्राउड ऑफ. आपके और कोई फेवरेट सॉन्ग देशभक्ति के? वंदे मातरम इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स. जो सिर्फ एक दिन फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही कि वन नीड्स टू बी अवेयर, क्योंकि ए फ्लैग इज समथिंग दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट नॉट ओनली ऑन दीज 2 डेज बट 365 डेज ऑफ द ईयर. तो जब आप झंडा खरीदते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल हाउ यू आर डिस्पोजिंग. प्लीज़ डोंट थ्रो इट ऑन द रोड कि समबडी कैन स्टेप ऑन इट. दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड वी शुड नॉट एज एज इंडियंस डू दैट टू आर फ्लैग और एनीबडी एल्स फ्लैग. वी हैव टू रिस्पेक्ट फ्लैग्स बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन प्लेस. सो बी वेयर, बी केयरफुल. ये 3 कलर्स होते हैं फ्लैग के, सो आपको इसका मीनिंग पता है ये भी जानना चाहूंगी। जी मुझे पता है. सैफ्रन जो कलर है वो त्याग बताता है. वाइट है दैट्स फॉर पीस. एंड ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए है. और जो अशोका चक्र है दैट इज धर्मा. और हाउ आई लाइक टू इंटरप्रेट इट इज एज धम्मा, विच इज़ नॉट धर्म एज अ रिलीजन बिकॉज दैट कैन बी मिसकंस्ट्रूड. बट वेन वेन इट वॉज पुट ऑन द फ्लैग एज धर्मा और धम्मा, इट मीन्स दैट फॉलो द लॉज ऑफ द नेचर. दैट्स हाउ आई लाइक टू इंटरप्रेट इट. ये आवा नेशनल एंथम यस. जन गण मन ऑफ कोर्स. या नेशनल एंथम हाँ. जन गण मन हु इज रीडर? नहीं मालूम. बोस? नो नो नो. रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर यस. आई यस. एंड नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग नहीं पता. वंदे वंदे मातरम यस. या एंड हु इज रिटन? नहीं पता. बंकिम चंद चट्टोपाध्याय. ओके ओके. आवा नेशनल ट्री? नेशनल ट्री? या नेशनल ट्री भी होता है क्या? अरे आई डोंट नो. बर्ड तो पता है बढ़िया पिकॉक है, फ्रूट पता है मैंगो है, एनिमल पता है लायन है. ट्री का नहीं पता नेशनल था. गेम? ना हॉकी. ओके. नेशनल फ्लावर? नेशनल फ्लावर लोटस. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नेहरू. ओ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज, नहीं पता, याद नहीं है. पता राजेंद्र है प्रसाद. यस, राजेंद्र प्रसाद. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे रिपब्लिक नो ऑल दीज हिस्ट्री. आई मीन आई वॉज टेरेबल इन हिस्ट्री. आस्क मी साइंस मैथ आई वुड आंसर, बट एज एन इंडियन प्लीज नो ऑल दीज फैक्ट्स, अदरवाइज यू विल गेट इन ट्रबल लाइक आई जस्ट डिड. सो अपोलॉजीज फॉर दैट. आई न्यू ऑल द आंसर्स बट ऑब्वियसली आई फॉरगॉट. बट थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग माई मेमोरी. हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन? ट्री कौन सी है? तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना देश के बारे में जानती हैं. सो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. आई वॉज वेरी वीक इन हिस्ट्री. मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ बिकॉज आई इट वॉज नॉट माई फेवरेट टॉपिक, बट लेट्स सी हाउ मच आई रिमेम्बर. नेशनल एंथम? जन गण मन. हू इज रिटन? रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम. या एंड हू इज रिटन? नो. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. या ओके आवर ओके. नेशनल ट्री? नेशनल ट्री बनियन ट्री. या नेशनल फ्लावर? लोटस. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर प्रसाद. ओके. ये नेशनल गेम?
हॉकी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लेटिंग मी गिव द टेस्ट अगेन.